विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न कोड जोन। और ये जो सीरीज चल रहा है, जावा स्क्रिप्ट का सीरीज चल रहा है, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपेरिजन्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने इफिल्स वाला कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों ने देखा था, लेकिन कंपेरिजन वाला जो है वो हम लोग रह गया था, तो उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए कंपेरिजन जो है ना, ये काफ़ी सिंपल चैप्टर होने वाला है, काफ़ी सिंपल ये जो चैप्टर है वो होगा, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है, क्योंकि इसका जो यूज है ना वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इसका यूज पड़ेगा ही, चाहे आप C++ कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, या फिर जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं, या फिर जावा स्क्रिप्ट का कोई भी लाइब्रेरी जा रहे हैं, पाइथन, जावा, हर जगह हर लैंग्वेज में आपका इसका ज़रूरत पड़ेगा। और आप जो भी कुछ करिए, ठीक है, उसमें आपको कंपेरिजन का ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। तो ये हालांकि ईजी है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि कैसे यहाँ पे चीज़ें काम करते हैं कंपेरिजन के बारे में, ठीक है। तो मैंने एक ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लिया है यहाँ पे comparison.js, और यहाँ पे comparisons.js के अंदर मैं यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ अपने डायरेक्टरी में जहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया था। तो वहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कंपेरिजन जो है ना, वो अक्सर हम लोग अपने रियल लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं, इससे बड़ा क्या है, इससे छोटा क्या है, इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें को अक्सर हम लोग कंपेरिजन करते हैं, या फिर हम लोग मार्क्स का कंपेरिजन करते हैं, किसमें ज़्यादा मार्क्स है, किसका कम है ना, तो इस टाइप का कंपेरिजन हम लोग अक्सर ही करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लिया हूँ, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसको। तो जैसे कि कंपेरिजन में क्या क्या हो सकता है, मैंने जैसे कि बनाया, ठीक है, अब इसको एक हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि ग्रेटर दैन लेस दैन। अब ग्रेटर दैन लेस दैन क्या है, जैसे कि ये हो गया आपका ग्रेटर दैन, सपोज मान लीजिए कि ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है, तो ये एक कंपेरिजन हो गया, ठीक है, ये एक कंपेरिजन हो गया, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ए लेस दैन बी, ठीक है, तो ये भी एक कंपेरिजन हो गया, यहाँ पे ग्रेटर दैन लेस दैन का एक कंपेरिजन हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, एक लाइन में कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका ग्रेटर दैन लेस दैन का, ठीक है। उसी तरह से हो सकता है आपका यहाँ पे कि सपोज मान लीजिए कि ए ग्रेटर दैन बी और बी लेस दैन ए लेस दैन बी, ठीक है, ओके, तो ये हो गया ग्रेटर दैन लेस दैन। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर ए देता हूँ, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, मतलब क्या है कि या तो ये बड़ा हो या ये बड़ा हो बी से, या फिर ये बराबर हो या बड़ा हो बी के, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वाले में क्या किया है, लाइन नंबर टू वाले में, कि ये बड़ा होना चाहिए बी से, मतलब कि ये बी के बराबर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये या तो बड़ा हो नहीं तो बराबर हो, ओके। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये या तो छोटा हो या बराबर हो बी के, मतलब कि ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हो गया ए या तो बड़ा हो या बराबर हो बी के, या ए जो है वो छोटा हो या बराबर हो बी के, ठीक है। तो दो टाइप का हम लोगों ने कंपेरिजन कर लिया यहाँ पे। अब तीसरे टाइप का एक और टाइप का कंपेरिजन है, वो है कि ये बराबर हो बी के, बड़ा छोटा का बात नहीं है, ना ही वो लेस देन हो ना ही ग्रेटर देन हो, वो बराबर ही हो, ये बराबर हो बी के, ठीक है। तो उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए इक्वल टू बी, ओके। अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि मैंने यहाँ पे दिया है इक्वल टू, लेकिन हम लोग हम क्या बोल रहे हैं, ये इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे दो साइन दिया है इक्वलिटी का, राइट। तो यहाँ पे ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको दो ही साइन देना होगा, अगर आप इक्वल टू कर रहे हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप इक्वल कर रहे हैं तो वहाँ पे डबल आपको साइन देना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे दे देते हैं इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, मतलब कि ए के अंदर बी का वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए इक्वल टू सपोज कर लिया मैं 1, ठीक है, और बी इक्वल टू मैं कर लिया 2, ठीक है। और ए इक्वल टू बी करने का क्या मतलब है,
कि ए के अंदर मतलब इसके अंदर ये बी का वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। तो अभी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। जब मैं ए के अंदर बी का वैल्यू असाइन कर दूंगा तो ये बाहर चला जाएगा वन और टू आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब असाइन कर दिया ना मैंने, तो वहाँ पे आ गया ये टू। इसलिए जब भी आप इक्वल टू का साइन देंगे या इक्वल टू चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन देना होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है, ठीक है। और अब इसके बाद एक और बचता है, ठीक है, एक और लास्ट है कि ये इक्वल टू के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर हो जाए, कोई भी नंबर हो जाए, लेकिन इक्वल टू नहीं होना चाहिए बी के, बस। तो उसके लिए कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे इस तरह से आपको साइन देना होगा ए नॉट इक्वल टू बी, ओके। मतलब क्या हो गया कि ये कोई भी नंबर होगा, बी का कोई भी नंबर से मैच करेगा, लेकिन बस दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। जो ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू है वो दोनों कभी बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो हम लोग समझ लिए कि इसमें की बेसिक जो इसका थ्योरी है वो हम लोगों ने समझ लिया कि इसको कैसे हम लोग करेंगे। अब रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक हम लोग समझते हैं इसमें कि इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, जो कंपेरिजन में ना मैक्सिमम केस में जो रिजल्ट आएगा वो आपको बुलियन में आएगा, या तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट मैं करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ टू ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए, अगर आप देखिएगा तो टू ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या दो एक से बड़ा है, ठीक है। तो अगर दो एक से बड़ा है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट यहाँ पर हम लोग चेक कर ही सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या मैसेज आया आपको, ट्रू, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज मिला है ट्रू, ओके। मैं एक बार और करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है। ऑब्वियसली जो टू है वो वन से बड़ा है, जिसने मैसेज दे दिया ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू वन, ठीक है, तभी आंसर आना चाहिए यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियसली पता है हम लोग कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे दो एक के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मैसेज देखेगा तो आ रहा है यहाँ पे फॉल्स, जो दो है एक के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या ये दो के बराबर नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है, दो नॉट इक्वल टू वन, राइट, तो ये आ जाएगा ट्रू, क्योंकि दो एक के बराबर तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया ट्रू। तो ये हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझ लिए कि टू एक के बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसको ये तो ठीक है अलर्ट के अंदर चेक कर लिया हम लोगों ने, लेकिन अगर इसको एक वैल्यू के अंदर चेक करना है तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि वेरिएबल कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक लेफ्ट वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे रेस एक रिस्पॉन्स बोल के मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और इक्वल टू मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फाइव ग्रेटर देन फोर, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ और उसके बाद इसका वैल्यू जो है उसको असाइन कर दे रहा हूँ मैं अरे इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं इसको अलर्ट कराऊंगा, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू, राइट, इसका रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। अगर फॉल्स आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, इसका आप मेरे को कमेंट करके बताइए। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये ट्रू आना चाहिए, आई एम करेक्ट और नॉट, लेट्स चेक हियर। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेसिकली कि फाइव फोर जो ये इसका वैल्यू आने वाला है ट्रू और फॉल्स, इसको मैंने असाइन कर दिया इसके अंदर रेस के अंदर, और इस रेस को मैंने यहाँ पे अलर्ट के अंदर प्रिंट करा दिया, इसका जो वैल्यू है एक्चुअल हमको वो यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये तो आपने समझ लिया कि बुलियन के वैल्यू के अंदर आता है तो कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप सपोज मान लीजिए आपके पास दो स्ट्रिंग है, इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक अलर्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जेड ग्रेटर देन ए, ठीक है, मैं यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या जेड ए से बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली जेड ए से बड़ा है, राइट। तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आना चाहिए ट्रू, क्योंकि ए के बाद आता है जेड, मतलब कि जेड बड़ा है,
राइट। तो यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है। तो अब आप सोचिएगा चलो ये तो सिंपल है कि अल्फाबेट में आपने दे दिया कि जेड जो है वो ये से बड़ा है, लेकिन अगर मैं पूरा एक सेंटेंस मतलब कि पूरा मैं एक वर्ड देता हूँ तो क्या ये आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है मैं यहाँ पे एक पूरा वर्ड दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ सपोज कि ग्लो, यहाँ पे इसमें ग्लो दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्ली दे देता हूँ, ठीक है। ओके पहले इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या दे रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट पता होना चाहिए ना कि अभी यहाँ पे क्या दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे दोनों में मैंने जी दिया है, ठीक है। तो इसको पता होना चाहिए, तो अभी मैंने दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे दे दिया फॉल्स। ओके यहाँ पे फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि शुरुआती में यहाँ पे जी है ठीक है, एल है, एल है ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे पहले ये क्या करेगा, चेक जी, ठीक है, उसके बाद चेक करेगा एल को, पहले जी चेक करेगा इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल है बराबर है, फिर एल को चेक करेगा बराबर है, फिर ओ को चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ई को चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी को कैप्स में दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया ये ट्रू, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया यहाँ पे जी दे दिया है, ठीक है, ग्लो और ग्ली यहाँ पे दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, पहले चेक किया जी को, जी इक्वल टू है, एल को, एल इक्वल टू है, उसके बाद से ओ है और यहाँ पे ई है। तो अभी ये दो तो बराबर हैं, ठीक है, इसको तो कोई बात नहीं है, ये जीरो जीरो आ जाएगा, मतलब कि ये आपका इक्वल टू है, तो इसको चेक करेगा नहीं। अभी जो लास्ट में है ना, इसको चेक करेगा, ठीक है, ओ एल और ई एल को। तो ओ क्या है, ओ बड़ा है ई से, यहाँ पे इसको पहला पॉइंट मिल गया कि ओ भाई बड़ा है ई से, तभी इसको दे देगा ये ट्रू कि ये ठीक है, ये बड़ा है। ओके अभी इसलिए यहाँ पे इसने दे दिया है ट्रू, जब मैं इसको रिफ्रेश किया तो इसने दे दिया यहाँ पे ट्रू। ओके इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बी दे देता हूँ, बी यहाँ पे डबल ई मैं दे दिया और यहाँ पे जस्ट मैं बी देता हूँ। अब इस केस में क्या बड़ा है ये, तो यहाँ पे दो ऑलरेडी मैच हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि दो वहाँ मैच हो रहे हैं, दो यहाँ पे मैच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा तो मैच हो ही नहीं रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे कास्टिंग ज़्यादा है और इसका वैल्यू भी है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब कि आंसर क्या होगा यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा ना कि जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है दोनों स्ट्रिंग्स का, ठीक है, पहले फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा, इफ अगर यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर और लेस देन या ग्रेटर देन कुछ भी होता है, जो कंडीशन आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये चेक करके दे देगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्या करेगा, सेकेंड कैरेक्टर को चेक करेगा, अगर वो भी सेम है तो फिर आगे बढ़ जाएगा थर्ड कैरेक्टर के लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, पहला दो कैरेक्टर इसने सेम पकड़ लिया, फिर थर्ड कैरेक्टर के पास पहुँचा और थर्ड कैरेक्टर को चेक किया, यहाँ पे जीरो वैल्यू है और ये यहाँ पे ई का जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसने दे दिया ट्रू कि हाँ भाई ये जो स्ट्रिंग है वो बड़ा है इससे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग का कंपेरिजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डिक्शनरी का बात करेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है ना ए और बी, अगर ऐसे केस में, अगर वर्ड के केस में है, ठीक है, तो भी ये सेम चीज ही चेक करेगा यहाँ पे। ओके ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे सब मैंने डाल दिया ए और यहाँ पे डाल दिया मैंने ए, ठीक है। अभी इसमें क्या बड़ा देगा, यहाँ पे देखिए अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखिएगा तो ये दोनों बराबर है, ए और ए दोनों ही ये बड़ा है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, इसने दे दिया फॉल्स। ओके मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, इसने दे दिया यहाँ पे फॉल्स। ओके और अगर मैं ए यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मैं ए करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं ट्रू, ठीक है। तो अब ये क्यों आ रहा है, अगर आप रियल डिक्शनरी में देखेंगे ना तो दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होगा, दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम होगा, लेकिन यूनिकोड ऑर्डर में, यूनिकोड ऑर्डर में क्या होता है,
कि लोअर केस का जो करेक्टर है वो ऑलवेज ग्रेटर इंडेक्स होता है उसका इंटरनल इनकोडिंग, मतलब जावास्क्रिप्ट के केसेस में जो यूनिकोड का वैल्यू होता है ना, तो जो लोअर सेंटेंसेस है, लोअर कैरेक्टर है, उसका इंडेक्स हमेशा ग्रेटर होगा कैपिटल इंडेक्स से, मीन्स कैपिटल कैरेक्टर से। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने ए दिया है कैप्स में और एक जो स्मॉल में मैंने दिया है, तो स्मॉल वाला ऑलवेज बड़ा होगा कैपिटल वाले से, दोनों इक्वल टू नहीं होगा, लेकिन अगर रियल डिक्शनरी में देखिएगा तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे दोनों बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि रियल इंडेक्सेस में तो दोनों बराबर है। तो आप बोल सकते हैं इसको कि ये यूनिकोड ऑर्डर में ऑलवेज जो स्मॉल होता है, मतलब कि जो लोअर केस का कैरेक्टर होता है, वो ऑलवेज उसका इंडेक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है आपका अपर केस के कैरेक्टर के मुकाबले। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं, जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए या पे कहीं पे भी आपको ये पूछा जाए, या आपको अगर ये प्रॉब्लम हो कि भाई कौन सा इसमें बड़ा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दिया स्ट्रिंग टू, और मैंने यहाँ पे दे दिया सिंपली नंबर वन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक बार, तो यहाँ पे आ रहा है ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू क्यों आया, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप एक नंबर टाइप के वैल्यू को आप स्ट्रिंग में देते हैं और उसके साथ आप नंबर को मैच करते हैं, तो क्या करता है कि पहले उस स्ट्रिंग वाले नंबर को ये कन्वर्ट करता है नंबर में, उसके बाद चेक करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया जावास्क्रिप्ट में कि पहले टू को इसने नंबर बना दिया, उसके बाद चेक किया, इसलिए इसने नंबर दे दिया टू। ठीक है, सेम केस अगर यहाँ पे जीरो वन करके आप देंगे, जीरो एंड वन, और यहाँ पे आप दे देंगे इक्वल टू। ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि जीरो वन का मतलब क्या होता है, वन ही होता है ना, तो ट्रू यहाँ पे आया। जीरो वन का क्या मतलब होता है, वन होता है, और इसने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया नंबर वन में। ठीक है, फिर जीरो वन में, तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा ही है, तो ये आ जाएगा आपको नंबर में इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो है कंपेरिजन के बारे में। अब एक और जो है इसमें वो है स्ट्रिक्ट क्वालिटी। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया कि चेक कर लिया सब चीज़ें कि भाई क्या क्या ये स्ट्रिंग हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक है, अभी स्ट्रिक्ट क्वालिटी को आप चेक करना है, तो उसको कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जीरो का जो वैल्यू होता है वो फॉल्स होता है और वन का जो वैल्यू होता है वो होता है ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जीरो और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज कि इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बताया था पिछले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं ध्यान से दिया है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फॉल्स का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज होगा जीरो। ठीक है, और ट्रू का वैल्यू होगा यहाँ पे वन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बोला था कि स्ट्रिक्ट टाइप का इक्वालिटी क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइप का मेरे को चाहिए कि नहीं भाई तुम चेक कर रहे हो उसके साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करो। ठीक है, डेटा टाइप मतलब कि स्ट्रिंग के साथ वो स्ट्रिंग ही है या फिर नंबर है या फिर जो है वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे तुम चेक करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया अभी क्या था, ठीक है, वन वन था। ठीक है, अभी मैं इसको एक बार और मैं रिपीट रन करता हूँ। ठीक है, तो इसने दे दिया ट्रू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉल इक्वल टू लगा देता हूँ, उसके बाद क्या आंसर आएगा यहाँ पे, फॉल्स। ओके, अभी यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, ठीक है, पहले तो ये ट्रू आ रहा था, मैंने जबकि बोला था कि आपको ये जीरो वन है तो क्या करेगा आपको कि इसको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, ऐसे कैसे हुआ, राइट। तो समझने वाला बात यह है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और इक्वल टू बढ़ाया, उसके बाद ये आया फॉल्स, और मैंने पहले क्या बोला था कि ये स्ट्रिक्ट टाइप का इक्वालिटी हम लोग चेक करेंगे। मतलब क्या है कि ये स्ट्रिक्टली चेक करेगा कि जो पहले तुमने दिया है और जो बाद में दिया है वो क्या दोनों मैच हो रहे हैं। ठीक है, और मैच कैसे होने चाहिए कि डेटा टाइप भी साथ में मैच होने चाहिए। अगर जब तब भी आप ट्रिपल इक्वल टू देते हैं तो उस केस में क्या ही चेक करेगा कि डेटा टाइप भी चेक करेगा। अभी इस केस में क्या मैंने दिया है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या है, नंबर।
तो पहले ये फॉल्स दे देगा, जब ट्रिपल इक्वल टू मैंने दिया तो पहले चेक करेगा भाई दोनों डेटा टाइप एक है, तो पहले इसने चेक किया कि नहीं ये तो स्ट्रिंग है और ये तो नंबर है, तो फिर तो ये गलत है, ठीक है स्ट्रिक्टली टाइप का हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये दे देगा फॉल्स आपको। वही अगर इक्वल टू हटा देंगे आप तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये वाला ट्रिपल इक्वल टू वाला, ये अक्सर जगह पे आपको अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे जावास्क्रिप्ट में तो अक्सर जगह पे आपको ये पूछा जा सकता है कि ये ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या है और डबल इक्वल टू का मतलब क्या है। तो ऑलवेज आपको ये रिमेम्बर रखना है, ये ध्यान देना है इस बात पे कि ट्रिपल इक्वल टू जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप स्ट्रिक्टली इक्वालिटी चेक करता है, मतलब कि डेटा टाइप के साथ ही चेक करता है इक्वालिटी, और जबकि अगर डबल इक्वल टू देते हैं तो ये स्ट्रिक्टली टाइप का चेक नहीं करता। अगर वहाँ पर नंबर देंगे आप, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर आप नंबर देंगे तो उसको कन्वर्ट करेगा मतलब नंबर देते हैं स्ट्रिंग में तो उसको कन्वर्ट करेगा नंबर में और फिर उसको उसको चेक करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा था और ये वीडियो काफ़ी यूजफुल भी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। अगर आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे इसके बाद या फिर इसमें अगर आपको इन फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट का जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको इसका काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग के वीडियो में कोई डाउट नहीं है, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस सीरीज से रिलेटेड या फिर अगर आप कुछ अलग चाहते हैं इस वीडियो में कि आपको यहाँ पे पार्ट में समझ में नहीं आया तो नीचे आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।